जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मनीषा टीचिंग वाले में। दोस्तों आज देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस के रिगार्डिंग काफी खुशखबरी आ गई है दोस्तों। गाइडलाइंस जो है कि यूपी पुलिस द्वारा जो है कि विभाग द्वारा यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको क्या ले जाना है, कैसे ओमआरसी भरना है, कैसे क्या करना है। दोस्तों इससे जाने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ऐसे ही बढ़िया नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है दोस्तों, गाइडलाइंस तो आ गई दोस्तों, ओमआरसी कैसे भरना, क्या कुछ करना, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बने रहिए दोस्तों। यदि आप पहली बार यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, आपको इसी जगह से समझ में आ जाएगा दोस्तों कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नोटिस पे। पहले चलते हैं दोस्तों, क्या विभाग की तरफ से क्या नोटिस आई है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों। ये नोटिस जो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ये जो है कि नोटिस दिया गया है दोस्तों। इस नोटिस में क्या करा है दोस्तों कि आपको देखिए दोस्तों, पहला ही पढ़िए देखो दोस्तों, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। ठीक है दोस्तों, इतना आप पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि इसमें हम बता दे रहे हैं दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है दोस्तों। आपकी जो परीक्षा है दोस्तों, टोटल कितने मार्क्स की होगी दोस्तों, 150 क्वेश्चन का होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन आपके जो होंगे प्लस 2 मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से 2 प्लस मिलेंगे दोस्तों, आपको टोटल कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और इसमें सब्जेक्ट दिया गया है दोस्तों, विषय 1 सामान्य ज्ञान, विषय 2 सामान्य हिंदी दोस्तों, अब विषय 3 जो है कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, चौथा जो देखिए मानसिक अभिरुचि बुद्धिमान एंड सुख ये दिया गया है दोस्तों। चौथा टोटल कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 105 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, कितने मार्क्स का होंगे दोस्तों, 300 नंबर का आपका क्वेश्चन बनने वाला है। और आपको समय कितना मिलेगा दोस्तों परीक्षा में, 2 घंटे दोस्तों। ये आप ये जो है कि ये विभाग की तरफ से पूरा नोटिस जो है कि आपको भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों आगे एक नोटिस और है दोस्तों, ये क्या करा है दोस्तों कि आपको ओमार सीट कैसे भरना है। ठीक है दोस्तों, ओमार सीट देखिए दोस्तों, इसमें कैसे भरा जाएगा दोस्तों, ये उदाहरण देख लीजिए, एक एग्जाम्पल है दोस्तों। ऐसी आपको एक ओमार सीट मिलेगी दोस्तों, आपके यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आवश्यक भरने की, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भरना होगा दोस्तों। इसमें जो है कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भरना होगा दोस्तों। आप ये नवा आपको पढ़ने की ये जरूरत है दोस्तों कि सबसे करेक्ट जो माना जाएगा दोस्तों, ये ओमार सीट में भरेंगे दोस्तों, इस तरह से भरेंगे दोस्तों, तब करेक्ट माना जाएगा। लेकिन दोस्तों आप किसी पे एक पे चिन्ह लगा दिए तो दोस्तों वो भी गलत होगा दोस्तों, जैसे आपको दूसरे में लगाया। ठीक दोस्तों, और तीसरे में देखिए दोस्तों, एक पे चिन्ह थोड़ा सा लग गया तो ये भी गलत हो जाएगा, आधा भरेंगे तो भी गलत हो जाएगा दोस्तों, यदि एक एक में 2 भर दिए तो भी गलत हो जाएगा दोस्तों। आपका एक्यूरेट जो माना जाएगा दोस्तों, ये पहला ही वाला माना जाएगा। इसी तरह से आपको जाके परीक्षा हाल में भरना है दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, आप ये नोटिस, ये हमारे चैनल जो है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, मनीषा टीचिंग वाला में, मनीषा टीचिंग वाला दोस्तों सर्च कर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं ये नोटिफिकेशन नोटिस जो है डाल दूंगा दोस्तों, जो कि आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, आपको परीक्षा में जाने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, भरने में नहीं तो आपकी पूरी जीवन खराब हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यही नोटिस दिया गया है। आपकी जो है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा दोस्तों, ये पूरी नोटिस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, हम पढ़कर बता दे रहे हैं दोस्तों, पहले से पढ़ चुके हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपके दोस्तों 10 पालियों में पेपर होगा दोस्तों, आपका जो है कि एक दिन में 2 पाली होंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक पाली होगी दोस्तों 10 से 12 होगी दोस्तों, और एक पाली होगी दोस्तों 3 से 5। 2 पालियों में आपका पेपर होने वाला है दोस्तों। 23 तारीख को होगा दोस्तों, 1 24 को होगा दोस्तों, 1 25 को होगा दोस्तों, 1 30 को होगा दोस्तों, 1 31 को होगा दोस्तों। मतलब 5 दिन आपको पेपर चलने वाले दोस्तों, और 23 24 25 3 दिन लगातार चलेगा दोस्तों, और 26 27 28 29 आपका जो है कि पेपर नहीं होगा दोस्तों, फिर क्या होगा दोस्तों, 30 31 को पेपर होने वाला है दोस्तों। आपको देखिए दोस्तों, इतने करने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, माइनस मार्किंग कितना दोस्तों, 0.5 आपका माइनस मार्किंग है दोस्तों। एक सही करेंगे दोस्तों तो 2 प्लस होगा, एक गलत करेंगे तो 0.2 माइनस मार्किंग का मतलब होगा कि एक नंबर आप आधा नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पे आपको बता दें दोस्तों कि आप यदि 4 क्वेश्चन गलत करेंगे दोस्तों तो 1 क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 नंबर चला जाएगा। आप ये नोट करके लिख लीजिएगा कि माइनस मार्किंग है 0.5। आपका पेपर जो है कि ऑनलाइन होगा दोस्तों, ऑफलाइन होगा दोस्तों, ऑफलाइन आपका पेपर ऑफलाइन होगा, जिसमें 4 ऑप्शनल दिए जाएंगे, आपको जो सही लगेगा आपको वही टिक करना है दोस्तों। यही सब कुछ इस नोटिस में बताया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो से
जो जानकारी दी है दोस्तों आपको, मैं जानता हूँ कि अच्छी लगी होगी। यदि आपको पसंद आए हमारी जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि इसी तरह से वीडियो आपके पास जाते रहे। जय हिंद, धन्यवाद।